नमस्कार दोस्तों, रेलपथ चैनल पे फिर से एक नई वीडियो के साथ आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त प्रवीण सर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूएसएफडी के बारे में। यूएसएफडी यानी अल्ट्रासोनिक फ्लॉ डिटेक्शन, इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों। तो यूएसएफडी द्वारा अपने रेल की पटरियों की खराबी का पता लगाया जाता है, तो उसी के बारे में हमें कुछ क्वेश्चन करने हैं। ये चैप्टर से जेईई वे एग्जाम में बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे नए आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अब मैं क्वेश्चन के ऊपर चलता हूँ। पटरियों के निर्माण प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाले सामग्री दोष डैश होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अधातु समावेश, हाइड्रोजन फ्लैग, गाइड मार्क। इसका आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। गलत हैंडलिंग के कारण पटरियों में डैश खराबी आ जाता है, तो इसमें क्या खराबी आ सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डेंटिंग की खराबी, यानी आंसर ए हो जाएगा। दोषपूर्ण वेल्डिंग से जुड़ी खराबी डैश होती है, तो अगर दोषपूर्ण वेल्डिंग होती है तो उसमें क्या होता है? फ्यूज़न की कमी होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। क्रैक 10-20 mm दरार की गहराई पर रेल टेबल के समानांतर चलती है और अंत में सामग्री परत को विभाजित कर सकती है, जिसे डैश दरार कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसे कहते हैं क्षैतिज दरार, यानी आंसर सी हो जाएगा। वेल्डों पर गलत प्रकार से किए गए वेल्डिंग के कारण जोड़ों पर और साथ ही गर्मी प्रभावित क्षेत्र में कई प्रकार की खराबी हो सकती है, तो इसका आंसर क्या हो सकता है? क्या क्या खराबी हो सकती है? फ्यूज़न की कमी, संरंधता और स्लैग का होना। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, इसमें से सभी। रेल की खराबियों या विफलता के कोडिफिकेशन में कोड 211 का अर्थ डैश होता है, तो इसमें कुछ कोड रहते हैं यूएसएफडी के लिए, तो वो कोड कौन सा कोड क्या क्या काम करता है, तो आप इसे याद कर लेंगे। तो जैसे कोड है 211, 211 का अर्थ होता है हेड में आंतरिक दोष होना और आड़े में टूटना, यानी साइड से टूट जाना। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, 211 कोड का अर्थ है। रेल की खराबियां या विफलता में कोडिफिकेशन में कोड 212 का अर्थ डैश होता है, तो 212 का अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा हेड में आंतरिक दोष होना और क्षैतिज दरार होना। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, क्षैतिज दरार होना। बेल्ड की खराबियां या विफलता के कोडिफिकेशन में कोड 411 का अर्थ डैश होता है, तो 411 का कोड का अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाता है वेल्डिंग, फ्लैश बट ज्वाइंट, ट्रांसवर्स क्रैक। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। बेल्ड की खराबियां या विफलता के कोडिफिकेशन में कोड 421 का अर्थ डैश होता है, तो 421 कोड का अर्थ क्या हो जाएगा? वेल्डिंग, थर्मिट ज्वाइंट और ट्रांसवर्स क्रैक। तो आंसर ए हो जाएगा। रेल की खराबियों या विफलता के कोडिफिकेशन में कोड 500 का अर्थ डैश होता है, तो 500 कोड अगर रहेगा तो उसका अर्थ क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा संक्षारण, यानी आंसर डी हो जाएगा। यूएसएफडी जांच एक डैश प्रकार की जांच है, तो वो यूएसएफडी कैसी जांच है? तो ये है गैर ध्वंसकारी जांच, आंसर बी हो जाएगा।
रेलों की अल्ट्रासोनिक जांच एक विशेष गतिविधि है और रेलों का अल्ट्रासोनिक जांच करने वाले निरीक्षकों को USFD जांच की तकनीकी में डैश द्वारा प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। तो जो USFD डिपार्टमेंट के जो जांच करने वाले रहते हैं उसको ट्रेनिंग कहाँ से दिया जाना चाहिए, तो उसका आंसर हो जाएगा RDSO, यानी आंसर सी हो जाएगा। USFD जांच में डैश रेल टेस्टर एक समय में केवल एक रेल की जांच करने में सक्षम होता है। तो अगर एक समय में एक ही रेल जांच करते हैं तो उसका आंसर क्या बोलते हैं, एकल, यानी आंसर ए हो जाएगा। USFD जांच में डैश रेल टेस्टर एक समय में दोनों रेल की जांच करने में सक्षम होता है तो उसे क्या कहा जाता है, दोहरा, यानी आंसर बी हो जाएगा। रेल में USFD जांच में डैश प्रोब का उपयोग किया जाता है। तो उसमें प्रोब रहते हैं, वो कौन सा उपयोग किया जाता है, तो 0 डिग्री और 70 सेल्सियस और 70 GFC एंड NGFC, इसमें से जो है सभी प्रोब का उपयोग किया जाता है। आंसर इसका डी हो जाएगा। रेल के USFD जांच में खराबियों को डैश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो खराबी को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है, तो एक IMR और IMRW में और एक OBS और OBSW में। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ए एंड बी दोनों। USFD का अंकन डैश रंग के पेंट से किया जाता है। तो USFD का अंकन जो है लाल रंग के पेंट से किया जाता है, इसका आंसर ए हो जाएगा। OBS OBSW के लिए USFD जांच में रेल खराबी गलतियां पेंट से डैश के रूप में अंकन किया जाता है। तो OBS या OBSW खराबी है तो उसमें क्या लिखा जाता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, सिंगल क्रॉस किया जाता है, सिंगल क्रॉस ऐसा किया जाता है रेल में। IMR/IMRW के लिए USFD जांच में रेल खराबी गलतियों लाल पेंट से डैश के रूप में अंकन किया जाता है। अगर IMR या IMRW है तो उसको किस तरह से अंकन किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, 3 बार क्रॉस किया जाता है। IMR/IMRW के रूप में USFD गलतियों के अंकन के बाद इनमें से कौन तुरंत 30 किलोमीटर प्रति घंटा का गति प्रतिबंध लगाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, USFD JE या SSC रहेंगे, वो 30 KMPH गति प्रतिबंध लगा देंगे, आंसर डी हो जाएगा। OBS OBSW USFD अंकन पर प्रतिदिन गश्त के दौरान ध्यान देना जाना चाहिए जब तक कि फिशप्लेट को डैश द्वारा जौगल नहीं किया जाता हो। तो वो किसके द्वारा ध्यान देना चाहिए, तो उसको कीमेन ध्यान देंगे, आंसर ए हो जाएगा। T12 52 kg 72 UTS रेल की मूल्यांकित कार्यावधि डैश GMT होती है। तो इसका GMT क्या होता है, तो इसका होता है 350 GMT 72 UTS का, इसका आंसर बी हो जाएगा। T12 60 kg 72 UTS रेल की मूल्यांकित कार्यावधि डैश GMT होती है। तो 60 kg अगर 72 UTS रेल है तो उसका GMT होता है 550। ये हमेशा याद रखना दोस्तों, क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन सीधा एग्जाम में बनते हैं, इसका आंसर डी हो जाएगा। T12 52 kg 90 UTS रेल की मूल्यांकित कार्यावधि डैश GMT होती है। तो 52 kg अगर 90 UTS रेल है तो उसका GMT हो जाएगा 525 GMT, आंसर सी हो जाएगा। T12 60 kg 90 UTS रेल की मूल्यांकित कार्यावधि डैश GMT होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 60 kg 90 UTS रेल है तो उसका GMT हो जाएगा 800 GMT, आंसर ए हो जाएगा। वेल्डो की USFD जांच में प्रयुक्त प्रोब डैश होते हैं। तो इसमें कौन सा साइट्स में किए जाते हैं,
तो 0 डिग्री, 70 डिग्री और 45 डिग्री। इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी प्रोब होते हैं। वेल्डो की यूएसएफडी जांच में खराबियों का वर्गीकरण डैश के रूप में किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा DFWO या फिर DFWR के रूप में वर्गीकृत किया जाता है बेल्ट को। अब ध्यान रखेंगे बेल्ट को किस प्रकार किया जाता है, तो DFWO और DFWR में वर्गीकृत किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। वेल्डो की यूएसएफडी जांच में खराबियों का वर्गीकरण डैश के रूप में किया जाता है, तो बेल्ट को जो जांच किए जाते हैं यूएसएफडी द्वारा, तो उसका वर्गीकरण किस रूप में किया जाता है, तो किया जाता है DFWO या फिर DFWR के रूप में। इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। यूएसएफडी खराबी DFWO का अंकन लाल पेंट से डैश चिन्ह के रूप में किया जाता है, तो DFWO का खराबी को जो है किया जाता है रेल्स में ओ लिखा जाता है लाल पेंट से, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। USFD खराबी DFWR का अंकन लाल पेंट से डैश चिन्ह के रूप में किया जाता है, तो DFWR का जो है डबल क्रॉस लगाया जाता है, इसका आंसर ए हो जाएगा, डबल क्रॉस ऐसा लगाया जाता है। DFWO DFWR के रूप में USFD गलतियों के अंकन के बाद इनमें से कौन तुरंत 30 किलोमीटर प्रति घंटा का गति प्रतिबंध लगाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा USFD का JE या SSE, इसका आंसर डी हो जाएगा। वेल्डिंग के बाद डैश में हर नए SKV वेल्ड की जांच की जानी चाहिए, तो कितने दिनों पे जांच की जानी चाहिए SKV वेल्डिंग को, इसको तुरंत जांच की जानी चाहिए, आंसर बी हो जाएगा। SPURT कार का विस्तार लिखें, तो SPURT कार का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, सेल्फ प्रोपेल्ड अल्ट्रासोनिक रेल टेस्टिंग कार, इसका आंसर ए हो जाएगा। यदि रेल विफलता प्राथमिक नवीकरण प्रीमेच्योर रेल विफलताओं के डैश वर्षों के अंदर होती है, तो खंडित टुकड़े विस्तृत जांच के लिए केमिस्ट और मेटालॉजिस्ट को भेजे जाए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 वर्ष के अंदर, आंसर डी हो जाएगा। यदि वेल्ड विफलता कार्यान्वित होने के 10 वर्ष अंदर होती है, तो खंडित टुकड़े विस्तृत जांच के लिए केमिस्ट और मेटालॉजिस्ट को भेजे जाए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए यानी 1 वर्ष के अंदर, आंसर ए हो जाएगा। USFD जांच में यदि किसी रेल को ट्रिपल क्रॉस के रूप में लाल रंग से चिन्हित किया जाता है, तो इसे डैश के अंदर बदल दिया जाना चाहिए, तो इसे बदल दिया जाना चाहिए 3 दिनों के अंदर, यानी आंसर बी हो जाएगा। दोस्तों जो भी इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे मैं आपके लिए करा दिया हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे, जिससे नेक्स्ट आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।